हेलो हाँ सर नमस्ते, मेरा नाम नितेश है, मीशो सप्लायर सपोर्ट से कॉल कर रहा हूँ आपको। जी बताइए सर। सर एक्चुअली आपने एक मेल हमको फॉरवर्ड किए थे दैट आपका रॉन्ग प्रोडक्ट क्लेम के रिगार्डिंग कॉल बैक के लिए रिक्वेस्ट किए थे। हाँ सर, वो मेल एक्चुअली समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ उसमें मुझे थोड़ा बताएंगे आपने क्या रिवर्ट किया है? श्योर सर, एक्चुअली आपको रिवर्ट दिया हुआ है। अभी आपने एज पर आपका भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने प्रोडक्ट को क्या चीज जस्ट अ मिनट आपको एक प्रोडक्ट रिसीव हुआ था, वो आपने बता रहे हैं कि रॉन्ग प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है, राइट सर? राइट। बट एज पर अवर टीम वैलिडेशन में वो एक्चुअली आपका प्रोसेस नहीं हो पाया है रिक्वेस्ट, इसके रिगार्डिंग आपको अनेबल टू प्रोसेस बोल के एक मेल हमारे एंड से फॉरवर्ड किया गया है। तो सर क्यों नहीं तो हो पा रहा है? तो नहीं हो सकता बोल के सर, वही तो पूछ रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा है। हाँ। प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है सर? एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास लॉजिस्टिक टीम का रिकॉर्ड रहता है। हाँ। okay? So, वहाँ पर वो मैचिंग नहीं निकला तो हमने प्रोसेस नहीं कर पाएंगे समटाइम्स। सो आपको मैंने एक इसके रिगार्डिंग एक सजेशन देना चाहूंगा। तो सम ऑफ द टाइम मतलब एवरी टाइम आपने जो भी कंप्लेंट रेज करते हैं हमने उसको प्रोसेस करने का कोशिश करते हैं, बट यहाँ से समटाइम हमने प्रोसेस नहीं कर पाएंगे दीज केसेस। आपने क्या करना चाहिए कि आप हो सकता है तो एक वीडियो प्रूफ भी आपके साथ आपने रख लीजिएगा, क्योंकि हमने सर क्या है ऑलमोस्ट 99% हम आपको वीडियो देते हैं, ठीक है? जहाँ पे शंका होती है उसके साथ हम आपको वीडियो सेंड कर देते हैं, बट जहाँ शंका नहीं हुई, समझ लीजिए जो मैंने पार्सल ओपन किया उस पे शंका नहीं हुई हमें, अंदर खोलने के बाद हमें पता चला, क्योंकि वो पार्सल पैक था और उसके खोलने के बाद हमें पता चला कि उसपे जो अंदर जो प्रोडक्ट उसने कस्टमर ने डाला है उसका पहना हुआ एक गीली सी धुली हुई लेगिंग थी जो गीली थी ऑलमोस्ट, और एक पुरानी कुर्ती थी जो वैल्यूएबल भी नहीं है, वो अंदर से निकली okay. और हमने आपको उसकी फोटो सेंड की है। राइट, हम समझ सकते हैं सर आपको यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम हुआ आप समझ सकते हैं, बट ये जो भी होता है ना अभी एज पर द प्रोसेस वो आपको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे आगे, दैट इज द रिगार्डिंग हमने आपको बताना पड़ता है कि ये नहीं हो पाएगा। गलत बात है ना, ऑलमोस्ट आप हमारा काफी नुकसान कर रहे हैं। आपके पास हम अगर समझ लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 प्रोडक्ट सेंड करते हैं तो 6 प्रोडक्ट तो रॉन्ग रिटर्न आती है हमारे पास, यानी उसकी आधी क्लेम, यानी हम नुकसान में चल रहे हैं। दो पे आप 140 रुपए पेनल्टी लगा देते हो, यानी कि पूरा नुकसान ही हो गया समझ लीजिए। दो की पेमेंट करते हो कि भाई ये लीजिए दो हो गया आपके पास। सर वैल्यूएबल नहीं है ये बिजनेस हमारे लिए, क्या आप कर रहे हैं? मतलब एक ये चीज चल रही है, बस चल रही है अंधाधुंध, हम लोग भी इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, आप लोग भी लूटे जा रहे हैं, ये क्या मतलब? पहले तो वीडियो कुछ भी नहीं था, अभी आप वीडियो की ये बात बता रहे हैं। कुछ मेल्स में हमने वीडियो लिंक दी है तब से आप हमें कह रहे हैं कि वीडियो दीजिए करके। एक्चुअली सर वीडियो इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, एक्चुअली क्या होता है कि सम ऑफ द टाइम आपको अमाउंट प्रोसेस हम नहीं कर पाते हैं ना, दैट मोमेंट के लिए हमको इम्पोर्टेंट रहता है कि बट आपको प्रोसेस करने के लिए आपका एक वीडियो प्रूफ है तो हमने आपको एक्सेप्शन केस में प्रोवाइड कर सकते हैं। बात आप समझ नहीं रहे हैं, मैं जानता हूँ हम लोग कहाँ अधूरे हैं, बताइए। हम पार्सल खोलेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना अंदर क्या है। अब उसका वीडियो नहीं, हमको हमको भी सर, अब देखिए पर्टिकुलर मेल में आपको नहीं चाहिए। अगर मेरे पास एक ही साथ में 14 पार्सल आए, ठीक है कि ये सर 14 पार्सल आज आपके आरटीओ हुए हैं, कुछ डीटीओ है, कस्टमर ने रिटर्न किए, कुछ आरटीओ हुए, ठीक है 14 पार्सल सामने वाला रखे गया, 14 की वीडियो कैसे बनाऊं मैं? जिसपे शंका होगी उसी का ही वीडियो बनेगा। यस सर, बराबर। हम हमें शंका होती है तो हम वीडियो बना के आपको सेंड करते हैं। अब वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऐसी थी कि हमें शंका नहीं हुई, हमारी पैकेजिंग को उसने कस्टमर ने वेल फिनिश्ड करके पैक करके भेज दिया था,
इवन जो अंदर जो प्रोडक्ट के अंदर जो पाउच था वो भी हमारा था, बट अंदर जो पाउच के अंदर जो प्रोडक्ट डाली है वो गलत है, तो हमें शंका होने का चांस ही नहीं दिया ना वहां पे। हमने जब ओपन किया तो ये चीज निकली और हमने तुरंत आपको मेल किया। राइट सर, हमने एक्चुअली अभी देखिए एज पर प्रोसेस वो आपका क्लेम रिजेक्ट किया गया है, बट हम और एक बार क्रॉस वेरीफाई कर देते हैं इसके रिगार्डिंग, इफ हमारे टीम से एक बार आपको एक्सेप्शन केस में इसके रिगार्डिंग कुछ अमाउंट आपने प्रोवाइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसका आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। आप खुद ही लोगों को ये कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो कि वो आपके साथ गलत करें। देखिए मेरा नुकसान करके कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ज्यादा से ज्यादा मूव कर लूंगा। कलश की पैनल को मैं सब आउट ऑफ स्टॉक कर दिया हूँ, ठीक है, और वो क्यूसी डीएक्टिवेशन में भी चला गया है जो भी है, बट बिजनेस मेरा ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ खत्म हो गया। मेरे पास और ऑप्शन है, शॉप 101 ग्लो रोड है, रिसेलर मंत्रा भी एमपी मध्य प्रदेश की कंपनी है जो आपसे भी बढ़िया वर्क कर रही है। यस यस सर, हम समझ सकते हैं सर, इसके ऑप्शन है, लेकिन नुकसान किसका है, नुकसान किसका है? यहाँ पे हमारा अगर 10,000 रुपए भी बिजनेस आ रहा था और 10,000 रुपए के बिजनेस पे आप अगर 2 रुपए कमा रहे थे तो वो आपकी कमाई स्टॉप हो गई, जीरो हो गई। सर हम समझ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, अभी देखिए मैंने आपको इसके लिए बताया कि आपका जो भी अभी क्लेम का रिगार्डिंग है, हमने और एक बार रिवैलिडेशन के लिए हम डेफिनेटली सेंड करते हैं। एंड ऑल्सो मैंने आपको बताना चाहूंगा कि जो भी प्रोडक्ट कस्टमर ने रॉन्ग प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ऑल्सो ज्यादा प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहा है, दोस पर्सन को हमने डेफिनेटली ब्लॉक भी कर रहा है रिसेलर को भी, दैट हम लोग ने मीशो में इन फ्यूचर में भी वर्क नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अभी ये रॉन्ग प्रोडक्ट आने से आपको भी नुकसान है एज वेल एज कंपनी को भी नुकसान है, बिकॉज कंपनी को भी इसमें प्रॉफिट नहीं है ना रॉन्ग प्रोडक्ट आने से। बड़े भाई मुझे 2 साल से ज्यादा हो गए आपके साथ काम करते हुए, हाँ ये सब झूठ है कि आप रिसेलर को ब्लॉक कर रहे हैं और आप समथिंग हाँ। कुछ नहीं है ये सर, ठीक है, आपने आपने समझेंगे, मैं 2 साल से ज्यादा काम कर रहा हूँ, मैंने पर्टिकुलर रिसेलर्स के नाम से मेल किया हुआ है कि ये पर्टिकुलर रिसेलर ही रॉन्ग रिटर्न सेंड करता है। ओके 27 रॉन्ग रिटर्न मेरे पास, एक ही कस्टमर ने रॉन्ग रिटर्न ये भेजे थे, मैंने 50 मेल कर दिए, लेकिन आपका सप्लायर सपोर्ट से कोई एक्शन नहीं हुआ, ना ही उन्होंने वो ऑर्डर्स रोकी। अब ऑर्डर्स ना एक्सेप्ट करूं तो पेनल्टी लग रही है, ऑर्डर भेजू तो रॉन्ग रिटर्न आ रहा है, उसकी क्लेम भी नहीं मिली है, 27,000 रुपए पेंडिंग है। जब मेल किया तो कहते हैं कि 6 महीने के बाद रिवर्ट कर रहे हैं, वो हमें इसका रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है, कहते हैं आपके सपोर्ट सिस्टम वाले। तो 6 महीने बाद क्यों रिप्लाई किया, पहले क्यों नहीं रिकर रहे थे, तब सोए हुए थे क्या? 6 महीने के बाद आपका कौन सा रिप्लाई आया सर? सर आया है ना, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, मैंने सारी वीडियो प्रूफ बताइए ना, हम भी चेक करेंगे, आपको भी पता चलेगा हमारा कौन सा एजेंट आपको 6 महीने के बाद रिप्लाई दिया हुआ है। वेट करिए, चलिए मैं आपको हाँ सर उसका ईमेल आईडी दे रहा हूँ, रुकिए। ओके टिकट नंबर दे दीजिए सर, हम भी देखेंगे ना कौन होगा आपको इतना 6 महीने के बाद आपको रिप्लाई दिया, हम चेक करेंगे एक बार। बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं वो चीज के बारे में बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ, मेरे पास जो है ना प्रूफ रहती है। रुकिए ना मैं दे रहा हूँ आपको, एक सेकंड सिर्फ दीजिएगा मेरे को, मैं मेल सर्च कर रहा हूँ। ओके सर नो प्रॉब्लम, इतना बेकार सिस्टम मेरे मेरे जीवन में नहीं देखा है। सर अभी देखिए 6 महीने के बाद आपको रिप्लाई हमने प्रोवाइड नहीं करेंगे, बट अपने ऐसा प्रोवाइड होना है तो हमने इस तरीके से चेक करेंगे। मेरी लड़ाई हुई है, आपके यहाँ से फोन आया था, मैंने उन्हें कहा था कि मेरा पैसा केएसएम क्रिएशन का पैसा आप कलश इथेनिक सेंटर से क्यों काट रहे हो, तो वो कहने लगे कि सर हमारे आपके केएसएम क्रिएशन के पेनल्टी बनी है, आपके सेम अकाउंट है और उसके हिसाब से पेमेंट कटेगा। तब मैंने उन्हें कहा था कि मुझे मेल का रिवर्ट क्यों नहीं कर रहे हो आप, जब मेरा 27,000 का क्लेम देना आपके पास बाकी है। ये देखिए मेरे को मिल गया ईमेल टिकट आईडी, आप चेक करिए 5 6 2 9 7 8
Sorry? 56 Okay. 2978 Okay. ये टिकट आईडी है, आप चेक करिए इसका मेल आपको कब आया है और कब आपने रिवर्ट किया है। एक एक ये है इसका लास्ट फर्स्ट मेल आपको मैं बता रहा हूँ कब किया था ये, 14 मार्च दिसंबर 14 को। हाँ दिसंबर 14 आपका लास्ट मैंने आपको मेल किया है मार्च में। देखिए दिसंबर से मार्च कितने महीने हो गए। अभी अभी आपने सर अभी आपने मुझे टिकट नंबर दिया है ना, तो टिकट नंबर को दिसंबर 14 को आपने मेल हमको फॉरवर्ड किया है, दिसंबर 14 को ही आपको रिप्लाई आया है सर। नहीं नहीं दिसंबर 14 को आपने रिप्लाई आया है लेकिन वो संतुष्टि भरा नहीं है। मैंने आपको मार्च 16 को रिप्लाई किया है, ईमेल आईडी ये ईमेल टिकट नंबर वी आर वरीड फाइन वी आर वी वेयर समथिंग कुछ इस टाइप से अबाउट बिकॉज नाउ यू आर नॉट एबल टू आंसर अवर समथिंग समथिंग कुछ इस टाइप से लिखा है। कैन यू प्लीज कॉल अस एक्सप्लेन ऑल दैट हैव समझिए ये मैसेज किया है मैंने 16 मार्च को आपको। दिसंबर 14 को आपको ये मेल गया है हमारा, उसके बाद आपने मेरे को ये मेल दिया 15 रिवर्ट किया है 15 मार्च को। दिसंबर से मार्च कितना टाइम हो गया, उसमें आपने जवाब दिया है वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव अ वैलिडेट फॉर्म अवर एंड। एक्चुअली देखिए अपने रेस्पॉन्स आया है क्या, रेस्पॉन्स नहीं आया है ये आपने बताया। एक्चुअली 6 महीने तक आपको रेस्पॉन्स नहीं आया बोल के आपने बताया रहा था, मैंने इसके रिगार्डिंग चेक करूंगा। अभी आपने जो भी प्रोवाइड किया था मुझे उसमें ऑलरेडी आपको रेस्पॉन्स गया था, आपने सैटिस्फाइड नहीं था मैं बता सकता हूँ। सुनिए कि आपने दिसंबर 14 में मैंने मेल किया उसका क्या रिप्लाई दिया है आपने मुझे बताइए, क्या रिप्लाई आया उसका। सर दिसंबर 14 को एज पर आवर कंपनी पॉलिसी 140 रुपीज लगेगा लॉजिस्टिक चार्जेस बोल के आपको एक रिप्लाई दिया हुआ है। क्या चीज लगेगा, सॉरी क्या है वो बताइए, लॉजिस्टिक चार्जेस क्या। दैट इज लॉजिस्टिक चार्जेस फॉरवर्ड एंड रिवर्स के लिए, क्या आपने कंपनी के लिए पेमेंट नहीं कर रहा है, थर्ड पार्टी कुरियर है हमारा, वो प्रोडक्ट रिटर्न आने के वक्त आपको जेन्युइन रिटर्न में 70 रुपीज फॉरवर्ड के लिए 70 रुपीज रिवर्स के लिए 140 रुपीज आपको पेनल्टी लगेगा। ये 70 रुपीज का मेल नहीं है, ये 27,000 रुपए का मेल है। आप बात समझ रहे होंगे, इसमें आपने शायद पढ़ा ही नहीं। ये देखिए आपने एक मेल किया है 14 मार्च को जिसमें आपने ये लिखा है वी विल नॉट प्रोसेस एनी ऑर्डर ऑफ केएसएम क्रिएशन इट बेटर दैट डिसमिस अवर प्रोडक्ट समथिंग इस टाइप से आपने मेल किया है। वी वुड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट In it, we have out the all the product from our side. ठीक है, इस टाइप से आपके मेल आते हैं कि यानी आपको इंटरेस्ट नहीं है वो प्रोडक्ट्स में तो हमारी क्लेम नहीं देंगे आप। तो कौन सा कंप्लेंट नंबर है सर, फॉरवर्ड कर सकते हैं मुझे। अरे बहुत है सर, एक कंप्लेंट है कि आपकी तो हजारों तो आपका आपने बताया मुझे अभी जो दिया मैंने आपको वो दिया ना, वो आपको अभी जो दिया उसी का ही कंप्लेंट आईडी है ना ये। उसमें कहाँ पर लिखा हुआ है सर ये सबको वहाँ से ऑर्डर आप डिस्पैच नहीं कर पाएंगे। 14 मार्च को 14 मार्च को आपको आया है वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट टू शेयर द यहाँ से। हाँ ओके 14 मार्च को आप कहें तो मैं स्क्रीनशॉट दूँ आपको। 25,000 अमाउंट है जो मैंने आपको रिवर्ट किया है आपकी कॉल आने के बाद। और उसका दूसरा टिकट आईडी है जिसको आपने ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक टिकट आईडी हमने जनरेट किया था जिसको आपने रिप्लाई नहीं किया, देन फिर नया टिकट आईडी जनरेट करके आपने मैसेज किया है और उसके बारे में मैं बता रहा हूँ 816383 ये टिकट आईडी उसी से ही रिलेटेड टिकट आईडी है 816383। ओके ठीक है, अब ये क्लेम हमें अभी तक नहीं मिला है, ये हमें भी पता है आपको भी पता है। ठीक है चलिए इसको जाने देते हैं, लेकिन ये तो G9 क्लेम है ना,
अब इसमें क्या हो गया कि इसमें आपको वीडियो फुटेज की जरूरत पड़ गई, हमारे बाकी क्लेम तो आप बिना वीडियो फुटेज के पास कर रहे थे ना, इसमें क्या जरूरत पड़ गई आपको? सर एवरी क्लेम में हमको चाहिए नहीं होता है, हमारे प्रोसेस हिसाब में जो भी नहीं रहेगा उसके रिगार्डिंग हमको समटाइम्स वीडियो प्रूफ चाहिए होता है, दैट आपको एक्सेप्शन केस में हमने आपका अमाउंट प्रोवाइड कर सके, दैट इज द रीजन सर। कहाँ गलत हो रहे हैं हम लोग? गलत ये हो रहे हैं कि हम आप पे ट्रस्ट करके बिजनेस कर रहे हैं, आपके ट्रस्ट के मुताबिक कस्टमर को भेज रहे हैं, प्रोडक्ट पैक करके अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के सारी चीजें कर रहे हैं, महीना डेढ़ महीना पेमेंट के लिए वेट करते हैं, उसमें 140 रुपए पेनल्टी अगर कस्टमर रॉन्ग रिव्यू दे देता है तो हम भरते हैं। आपको कहाँ हम नुकसान देते हैं भाई, किस चीज का नुकसान दे रहे हैं हम आपको बताइए सर? इफ कस्टमर जो भी कमेंट आपको प्रोवाइड करता है ना, उस कमेंट में इजी रिटर्न में प्रोवाइड कर रहा है तो कंपनी आपको लॉजिस्टिक चार्जेस पे करेगा ना, उसमें हम आपको ब्लेम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी आप क्यूसी डीएक्टिवेशन में डालते हो, हम मना नहीं करते हैं, ठीक है, हम हमारे साइड से कहाँ गलत हो रहे हैं? हम आपको हर चीज की तो वीडियो फुटेज और सब चीजें देते हैं ना। अभी इसमें भी अभी देखिए सर आपका वीडियो प्रूफ है तो हम डेफिनेटली इसको फॉरवर्ड कर देते हैं, अभी हमारा भी हाथ में नहीं है ना सर, भी एज पर यहाँ पर काम करने के लिए है, हम आपको प्रोसेस करने के लिए हमको भी प्रूफ चाहिए होता है। आपकी पॉलिसी जो है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, इसका दूसरा प्रूफ देता हूँ। अब जिस करंट पैनल पे आ जाते हैं, ईमेल टिकट आईडी है 16250 23 है। हाँ अब मुझे बताइए कि आपने कितने दिनों में रिवर्ट करना चाहिए हार्डली आपकी पॉलिसी के मुताबिक? ओके एक कंप्लेंट के ऊपर आपको कितने दिनों में जवाब आना चाहिए मुझे बता तो दीजिए मेरे भाई। सर एज पर आवर पॉलिसी 48 आवर्स में आपको रिस्पॉन्स आना है। अच्छा 16 सितंबर को आपको मेल किया गया है। हाँ। तो कितने दिन हो गए आज? यस सर डेफिनेटली आपको, बट मेल एक आया है ना सर आपको, मंडे के डेट में आपको एक मेल सेंड किया हुआ है। कहाँ है बताइए, मंडे के दिन पे उसके बाद रिवर्ट किया है 16 सितंबर को आपको मैंने। हाँ बट उसके बाद एक अभिषेक मित्तल नाम से आपको एक मेल आया है, देखिए रॉन्ग प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। कौन से नाम से सर? मंडे आपको 6:52 को एक मेल आया है इवनिंग टाइम में, देखिए सर। नहीं आया है ना, आया होता तो आपसे क्या उसी मेल के नीचे सर, आएगा? सेम मेल में मैंने बता रहा हूँ आपको सर, सेम मेल में ही बता रहा हूँ मैंने आपको। नहीं आया है मेरे पास आपका कोई भी मेल उसके बाद। सर अभी देखिए आपको थोड़ा डिले हुआ है इसमें रेस्पॉन्स करने के लिए, सॉरी फॉर देट, बट आपको एक रेस्पॉन्स हमारे एंड से मंडे के डेट में मतलब आपको 16th को एक मेल किया हुआ है, एंड ऑल्सो आपने भी एक रिवर्ट मेल हमको फॉरवर्ड किया है वो इमेज के रिगार्डिंग। सर मेरे पास स्क्रीनशॉट में आपको इसी चीज का दे सकता हूँ, मेरे मोबाइल में ही सारी मेल्स मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा ये लास्ट 16 सितंबर का मेल है, उसके बाद आपका कोई भी रिवर्ट नहीं है मेरे पास। 16 सितंबर से आपको रिवर्ट नहीं मिला है, डेफिनेटली हम समझ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। 17 and 18 हो गया है आपको, इसके रिगार्डिंग मैं अभी इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ सर, एज सून एज पॉसिबल इसका रिस्पॉन्स आपको किया जाए। एक प्रोडक्ट नहीं है, 3 प्रोडक्ट गलत है एक साथ, इसकी वीडियो लिंक भी दी, आपको फुटेज भी दी, रिटर्न ऑर्डर्स की AWB नंबर, वे बिल नंबर जो आप कहते हो वो भी दी, फिर क्यों आप प्रोसेस में आप अधूरे हो रहे हो यार? जहाँ पे वीडियो लिंक दी है वहाँ पे भी क्लेम प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, जहाँ वीडियो लिंक नहीं दी तो कह रहे हो कि वीडियो लिंक दो, ये तो अलग ही मतलब पॉलिसी है, अपने ही कायदे कानून बना रखे हैं आपने यार। अभी देखिए सर मैंने आपको अभी बता रहा हूँ ना, वो प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, आपको आगे फॉरवर्ड कर किया जाएगा सर, सॉरी फॉर दैट, हमारे एंड से माफी चाहते हैं। क्या बड़े भाई, हमारा पैसा पैसा का वैल्यू नहीं है, हमारा हम मेहनत से नहीं कमाए हैं क्या इसको? सर अभी देखिए आपको कुछ गालियां देना है ऐसा कुछ सोल्यूशन चाहिए तो मैंने आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ ना, मेरी औकात नहीं ना आप लोगों को गाली देने की भाई,
मैं गरीब इंसान हूँ। सर आपको आपको अल्टीमेटली क्या है सर, आपको एक सोल्यूशन चाहिए, आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए सोल्यूशन चाहिए, सो दैट मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ। आप मुझे रेस्पेक्ट दिया तो मैं डेफिनेटली आपको आपको रेस्पेक्ट दे के आपको भी मैंने आपको आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में मैं हेल्प करूंगा। बस मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं गाली तो दे नहीं रहा हूँ आपको भाई, मैं मिडिल क्लास फैमिली अभी क्या करना चाहिए आप भी बताइए। मुझे उसका पैसा चाहिए, मेरे क्लेम्स चाहिए भाई। हाँ सर, उसको क्लेम को आगे प्रोसेस कर रहा हूँ सर, आगे प्रोसेस कर रहा हूँ, आपका बता रहा हूँ ना, आगे प्रोसेस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। आपके माफी भी मांगा आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। दुख हो रहा है ना कि मेरा नुकसान आप क्यों करने पे तुले हो, यानी हम आपसे नुकसान के बारे में नहीं बताया सर, ये नहीं होगा बोल के नहीं बताया ना मैंने आपको, मैं बताया आपको आगे फॉरवर्ड करके आपको इसके रिगार्डिंग प्रोसेस किया जाएगा सर, बोल के बता रहा हूँ। जो आप नहीं क्यों आपने नेगेटिवली ले रहे हैं, जो जो तीन ये तो अभी आपने टिकट आईडी आपने कहा कि आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो आप नहीं कर रहे हो जिसके लिए रिवर्ट आया है उसको भी फॉरवर्ड करिए ना, जिसकी आपके पास वीडियो लिंक है उसको पहले ही बताया था मैंने सर आपको, और एक बार बताओगे मैंने आपको, पहले ही मैंने आपको बताया था सर, आपको आगे फॉरवर्ड किया गया तो इसको रिवैलिडेशन के लिए करो तो बोलते मैंने आपको पहले ही बता दिया गया था वहाँ पे। बात खत्म, आपका शुक्रिया, मैं इंतजार करूंगा आपके रिवर्ट का, और 6 महीने मत लगवा दीजिएगा प्लीज उस रिवर्ट को। जो भी है सर, अभी देखिए आपको मैंने जो भी आपने प्रीवियसली सेंड किया था वो डिले हो रहा है, इसके लिए मैंने आपको माफी मांग रहा हूँ, तो दैट मैंने आपको हर एक बार आपको डिले करना नहीं चाहूंगा, तो हमारे यहाँ से जो भी मिस्टेक हुआ है उसको करेक्ट करके आपका सुन एज पॉसिबल अपडेट दिया जाए। करिए सर, गरीब इंसान है हम लोग, बहुत कर्जा ले लेके हम पैसा ले लेके मार्केट से उधार लेते हैं, इंटरेस्ट पे बड़े महंगे इंटरेस्ट से पैसा लेके मैं बिजनेस करना स्टार्ट किया था आपके साथ, लेकिन मैं पूरा बर्बाद हो गया हूँ, फिनिश। और उसका पता है मेरे पीछे कर्जा हो गया है, कम से कम 50-30 लाख रुपए का मेरे पीछे कर्जा हो गया है। मेरा सारा प्रोडक्ट आपने रॉन्ग रिटर्न दिया, लोगों से मैंने व्यापार किया, मेरे वहां माल स्टॉक डेड होने लगा, लोगों को पैसा देने के चक्कर में वो माल मैंने कम कीमत में बेचना चालू कर दिया, और वो सारा कर्जा मेरे सर पे हो गया है, उसका सब पूरा क्रेडिट मीशो पे जाता है। मैंने मेल में भी लिखा है मिस्टर विद्युत अत्रे जी को, बीसीसी में अटैच करके भी ये चीज कही कि सबसे ज्यादा बड़ा कारण मुझे बर्बाद करने में आप लोगों का हाथ है। मैंने बंद कर दिया मीशो से, बिजनेस ही बंद कर दिया। जो भी हमारे एंड से प्रॉब्लम हुआ है सर, देखिए मैंने आपका इशू का अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आपका व्हाट्सएप नंबर होगा या आपका कोई पर्सनल मेल आईडी होगा ना, मैं व्हाट्सएप देता हूँ। मेरे यूट्यूब पे आपके जो रिव्यूज आए हैं ना मीशो के, दिल्ली के एक सप्लायर है, इतनी गालियां दे रही है मीशो के नाम से, बाप रे बाप, कोई शहनशाह करके बंदा उसे असाइन किया था। सर मैं आपको बताना चाहूंगा अभी मैं क्या करूं, आप ही बताइए अभी मैं क्या करूं बताइए। बस मेरी मेहरबानी है, हाथ जोड़ के एक विनती है भाई, मेरे सारे क्लेम प्रोसेस करिए। और हाथ जोड़ने को कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, आपने कुछ मुझे टाइम दिया था, मैं डेफिनेटली प्रोसेस करूंगा जी। और जो भी मेरे प्रोडक्ट डिलीवरी हुई नहीं है या होने वाली है या हो चुकी है या रिटर्न है, उसे खत्म करके मुझे आजाद करें सर, बस मुझे बख्श दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। सर अभी मैंने क्या करूँ सर बताइए, बस मैंने प्रोसेस करूँ या नहीं वो बताइए, आप ही बताइए सर, करिए ना सर। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ कि आपको प्रोसेस कर रहा हूँ, यहाँ से आपको हमारे टीम को फॉरवर्ड कर रहा हूँ बोल के बता रहा हूँ, फिर से आपने वही बात को फिर से जैसे बोल रहा हूँ, मैं क्या कर बताइए, कोई बात कीजिए, मैंने बात ही नहीं करूँगा, ओके सर आप बात कीजिए, धन्यवाद करूंगा, आप रिवर्ट का इंतजार कर रहा हूँ, मैंने कहा ना आपसे, आप बिल्कुल अपना प्रोसेस करिए और प्लीज खत्म करिए, हमको भी थोड़ा टाइम दीजिएगा, हम आपका प्रोसेस करवा देंगे। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे सर।